Assalamu This is Database Management System course. The course code is CS403. Today we are in the lecture number 11 of this course. In the previous lecture, we discussed the cardinality of the relationships. We discussed the importance and different types of cardinalities. Then how do we represent these cardinalities? Apart from the one main cardinality notation that we will use in this course, we also discussed different types of cardinalities and established the link between the one we will use and the other ones. After that, we also discussed the enhancement in the ER data model. And at the end of the previous lecture, we were discussing the supertype subtype relationship between entry types. Today, we will uh, start our discussion uh, in the continuation of the same topic. So, let us start today's lecture. Inheritance, dear students, we get the concept of the phenomena of inheritance as a result of the generalization, specialization, or supertype-subtype relationship. It's a very famous idea. It is very popular. It is very well known among the uh, CS programming paradigms, and especially it is the feature of object-oriented programming paradigm. वट इज इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ये है कि जो आपकी सुपर टाइप है उसके तमाम एट्रीब्यूट जो हैं वो इनहेरिट होंगे नीचे आएंगे सब टाइप्स में इनहेरिटेंस का वही कॉन्सेप्ट जो हमारी नॉर्मल लाइफ में रियल लाइफ में होता है कि हम कहते हैं कि फलां शख्स ने अपने बुजुर्गों से या अपने फादर से फलां चीज़ ये प्रॉपर्टी या ये चीज़ इनहेरिट की उसको विरासत में मिली इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सुपर टाइप सब टाइप्स की तो जो जो एट्रीब्यूट्स आपने डिफाइन किए हुए हैं सुपर टाइप्स के साथ या एक जनरल टाइप के साथ वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली उन तमाम सब टाइप्स के अंदर आ जाएंगे जो कि उसके साथ लिंक्ड हैं यानी जो जो सब टाइप्स सुपर टाइप के साथ लिंक्ड हैं थ्रू सुपर टाइप सब टाइप रिलेशनशिप वो इनहेरिट करेंगे वो तमाम प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स जो के सुपर टाइप के हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम ये कहें कि जितनी भी हमारी सब टाइप्स हैं वो हमने आ, कहा कि उनके जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम बजाय बार बार डिफाइन करें हर सब टाइप में अलग अलग से हम उनको एक ही दफा से प्लेस कर देते हैं सुपर टाइप में और इनके दरमियान एक लिंक स्टेब्लिश कर देते हैं यही सुपर टाइप सब टाइप रिलेशनशिप इसका एडवांटेज ये होता है कि वो जो सब टाइप्स हैं, उनको ऑटोमेटिकली वो तमाम चीजें थ्रू इनहेरिटेंस मिल जाती हैं। और इसके अलावा अब जो सब टाइप्स हैं, उनमें से हर एक के साथ जो भी आप एडिशनल एट्रीब्यूट अटैच करना चाहते हैं वो वहां पर आप अटैच कर लेते हैं इनहेरिटेंस को अगर आप देखिए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जितनी भी चीजें हैं प्रोग्रामिंग हो या डाटा मॉडल हो उन सब में इसको डिटेल डीटे, के साथ डिस्कस किया गया हुआ है लेकिन जहाँ पे हमारे इतना ही जानना काफी है कि सुपर टाइप के सुपर टाइप के एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे सब टाइप्स के अंदर इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे जो आपको डायग्राम नजर आ रही है उनमें से एक जो आपको दिखाया गया है एक एम्प्लॉय एंट्री टाइप है इसकी दो सब टाइप्स दिखाई गई हैं सैलरीड और आवरली यानी आप ये देख लें कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनमें आपको ये चीज़ महसूस होगी कि उनमें से कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं कि जो गर्मेंट बेसिस पे हैं उनको आप सैलरीट कहेंगे कि उनकी सैलरी जो है वो फिक्स कहें या किसी बेसिस पे आप डिटर्मिन करते हैं और कुछ आपके एम्प्लॉयज ऐसे हैं कि जो आवरली बेसिस पे काम करते हैं तो ये दो टाइप्स हम डिफाइन हमने आइडेंटिफाई किए हैं किसी भी एक एन्वायरमेंट के अंदर अब जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास सैलरीड में और आवरली बेसिस जो हमारे एम्प्लॉयज हैं दोनों में कॉमन है मिसाल के तौर पे हमने कहा कि एम्प्लॉय आईडी है दोनों में होगा एम्प्लॉय नेम सैलरीड का भी होगा आवरली बेसिस वाले का भी होगा एड्रेस फोन नंबर ये तमाम वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं दोनों के साथ सैलरीड एम्प्लॉयज के साथ भी और आवरली बेसिस एंप्लॉयज के साथ भी इन दोनों को इन तमाम एट्रीब्यूट्स को हम एसोसिएट कर देंगे अटैच कर देंगे जो हमारी सुपर टाइप है एम्प्लॉय उसके साथ उसके बाद हमने जो हमारा आ, आ, सब टाइप्स हैं आवरली बेसिस और सैलरीड ये हमारी सब टाइप्स हैं तो हमने ये किया कि जो इनके स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमने एसोसिएट कर दिया और शो कर दिया इन सब टाइप्स के साथ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सैलरीड के साथ हमने जो चीज अटैच की हुई है जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है ग्रेड और एनुअल सैलरी अब ये वो एट्रीब्यूट है कि जो कि स्पेसिफिक है सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय के साथ इसी तरीके से अगर आप देखें जो हमारे आवरली बेसिस एम्प्लॉयज हैं उनके साथ है आपके पास के नंबर ऑफ आवर्स के से अगर आप मंथली बेसिस पे करते हैं तो कितने नंबर ऑफ आवर्स जो है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने जो कि सैलरीड बेसिस पे है उसने नंबर ऑफ आवर्स कितने काम किया जैसे पूरे वीक में या पूरे मंथ में और सेकेंडली इसमें यह है कि आवरली रेट के इस एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हम जो है वो क्या देते हैं रेट क्या देते हैं ताकि इन दोनों एट्रीब्यूट से मिलके आप कैलकुलेट करेंगे उसकी मंथली सैलरी इसकी एक और एग्जांपल आपके सामने जो आपको नजर आ रही है वो है जिसमें कि आपने पर्सन एक सुपर टाइप शो की गई की गई है और साथ ही उसमें दो स्पेशलाइज एंटी टाइप्स हैं जो कि स्टूडेंट और फैकल्टी हैं इसमें फिर पहले की तरह से कि जो दोनों आपकी सब टाइप्स हैं स्टूडेंट और फैकल्टी उनके जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आईडी है नेम है एड्रेस है इनको आपने एसोसिएट कर दिया पर्सन के साथ अब इनहेरिटेंस के थ्रू ये तीनों एट्रीब्यूट्स हैं जो सुपर टाइप के साथ एसोसिएटेड हैं वो ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो गए हैं स्टूडेंट और फैकल्टी के साथ भी अब यहां आपको इस डायग्राम में दो आ, सब टाइप्स नजर आ रही हैं यहां पे जितनी भी होती यानी अगर आपके पास यहां पे पर दो हैं या तीन चार पांच जितनी भी होती वो सब की सब इनहेरिट करती या ये एट्रीब्यूट उन सब के सब के साथ अटैच हो जाते हैं फिर आप देखिए इसी तरह से कि हमने स्टूडेंट के साथ कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट जो कि स्पेसिफिक है इसी एंट्री टाइप के साथ वो अटैच कर दिए इसी तरह जो फैकल्टी है हमारे पास जो उसकी है मिसाल के तौर पर यहां पर उसकी क्वालिफिकेशन और ग्रेड दीज टू एट्रीब्यूट दे आर स्पेसिफिक टू द फैकल्टी एंट्री टाइप तो ये यहां पे शो कर दी गई बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि वो तीन एट्रीब्यूट आर एसोसिएटेड विद द पर्सन एंटिटी टाइप वो तीन और जो दो हमने फैकल्टी में डिफाइन किए हुए हैं ये दो तो इसका मतलब है कि एक्चुअली जो फैकल्टी हमारी एंटिटी टाइप है उसके पांच एट्रीब्यूट है डियर स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी ये भी है कि आप ये जो आपको एक हरकी नजर आ रही है एक जो तरतीब नजर आ रही है आपको सुपर टाइप सब टाइप की इट कैन गो अप टू द डेप्थ ऑफ एनी लेवल यानी अभी आपको यहां पर एक लेवल नजर आ रहा है कि हमारे पास एक सुपर टाइप है और नेक्स्ट लेवल पर उसकी सब टाइप्स है फर्ज करें अगर यही हम एक फर्द लेवल और आगे ले जाए यानी मिसाल के तौर पर अगर हम ये डिक्लेयर कर दें कि हमारे पास जो स्टूडेंट हैं उसकी फर्दर दो या तीन या चार सब टाइप्स हैं मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मॉर्निंग स्टूडेंट इवनिंग स्टूडेंट तो उसमें क्या होगा कि दीज आर नो सब टाइप्स ऑफ द एंटी टाइप स्टूडेंट ऐसे फर्ज कीजिए जैसे हमारे पास फैकल्टी आ, एंटी टाइप है इसकी भी फर्दर सब टाइप्स जो है अगर कोई इदारा या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टोर करना चाहती है उसमें हम कहते हैं फर्ज करें है हमारे पास दो सब टाइप्स बनती हैं इसकी रेगुलर आ, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं एंड विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स तो इस तरह से इसकी भी सब टाइप्स बन गई अब ये देखिए कि ये जो आपकी सेकेंड लेवल की आपकी जो सब टाइप्स हैं ये तमाम की तमाम जो है वो एट्रीब्यूट्स उनको इनहेरिट करेंगे यानी वो एट्रीब्यूट्स जो के पर्सन के साथ एसोसिएटेड है वो भी और वो एट्रीब्यूट भी जो के नेक्ट नेक्स्ट यानी स्टूडेंट के साथ एसोसिएटेड है तो जो आपका मॉर्निंग स्टूडेंट इवनिंग स्टूडेंट जो है वो दोनों के मिला के और एक बात देखिए इसमें टेक्निकल बात यह है कि जो आपकी आ, सब टाइप्स हैं स्टूडेंट की यानी मॉर्निंग स्टूडेंट और इवनिंग स्टूडेंट वो जो इनहेरिट कर रहे हैं देर इनहेरिटिंग फ्रॉम इट्स टाइप यानी जो कि स्टूडेंट है क्योंकि स्टूडेंट जो है उसकी थ्रू इनहेरिटेंस वो जो आपके पास पर्सन की जो प्रॉपर्टी जो एट्रीब्यूट हैं वो जो कि इसमें आ चुके हुए हैं तो अब वो जो पांच एट्रीब्यूट हैं तीन ऊपर पर्सन के और दो स्टूडेंट के अपने ये पांचों इस जगह से स्टूडेंट से आ जाएंगे मॉर्निंग uh, और इवनिंग स्टूडेंट में और इसी तरह अगर आप फैकल्टी एग्जाम्पल देखते हैं तो फैकल्टी के अंदर भी जो आपकी रेगुलर फैकल्टी है परमानेंट फैकल्टी है और जो आपकी विजिटिंग फैकल्टी है वो एट्रीब्यूट इनहेरिट करेंगे दोनों के बट थ्रू द फैकल्टी इसमें एक और चीज जो है उसको भी काइंडली कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर अगर आप देखें तो पर्सन की दो सब टाइप्स हैं अभी मैंने आप जो जो फर्दर डिस्कस कर रहा हूं कि स्टूडेंट की भी दो सब टाइप्स हो सकती हैं और साथ ही में इतफाक डिस्कस कर दें कि फैकल्टी की भी दो सब टाइप्स हैं तो यह जरूरी नहीं है कि हर एंड टाइप जो है उसकी सब टाइप्स हों या दो ही हों या एक लेवल सेम हो मिसाल के तौर पे अगर इसी जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टम जहाँ पे आप डेवलप कर रहे हैं वो स्टूडेंट की जो सब टाइप्स हैं वो तो शो करना चाहते हैं बट डॉट फॉर द फैकल्टी इसका मतलब कि जो फैकल्टी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आप लेवल वन तक रुक गए लेकिन अगर आप स्टूडेंट की देखें तो आपने एक लेवल तक आगे मॉर्निंग स्टूडेंट और इवनिंग स्टूडेंट और फर्दर अगर आप चाहें तो इनमें से इनको फर्दर एनहस कर सकते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इट कैन गो अप टू एनी लेवल तो वो जो भी आपकी सब टाइप्स होगी वो तमाम राइट फ्रॉम द रूट ऑफ द दिस हेर जितने भी एट्रीब्यूट डिफरेंट सुपर टाइप्स के चलते चले आ रहे हैं वो सबको डाउन देयर इनहेरिट करेंगे और प्लस इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के अलावा जो एट्रीब्यूट्स आप एसोसिएट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली उस टाइप के साथ वो भी आप उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं आइए आगे, आगे चलते हैं इसका यूज या एडवांटेज क्या है वाई इज इट सो फेमस एंड पॉपुलर कॉन्सेप्ट इसको जानने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको यह समझना पड़ेगा कि इनहेरिटेंस से क्या हो रहा है कि आपने जितनी भी आपकी सब टाइप्स थी किसी भी लेवल पर उन सब की कॉमन प्रॉपर्टीज जो है वो एसोसिएट कर दी सुपर टाइप के साथ और अब आपको एक फायदा तो ये हुआ कि वो टाइप्स जो कि इन तमाम सब टाइप्स के दरमियान कॉमन थी वो आपको बार बार लिखने की बजाय आपने सिर्फ एक दफा लिख दी इससे तो यह एक तो आपके डायग्राम इट बिकम्स सिंपलर और उसकी कंप्लेक्सिटी ज़हरा कि कम होगी दूसरी बात एक और चीज यह है इसमें आती है कि अगर फर्ज करें आपने कोई चीज चेंज करनी है चेंज से क्या है? तो आप, सब और और तो तो बजाय इसके कि आप तीन हैं हैं आपके पास तीन attributes हैं जो common हैं। तो पहली बात तो यह आपको वो तीन एट्रीब्यूट जो कॉमन है तीनों के साथ अलग अलग लिखने के बजाय आपको सुपर टाइप के साथ एक दफे लिखने पड़ेंगे प्लस अगर आपको एक एट्रीब्यूट ऐड करना है तो बजाय इसके आप वो एक सिंगल एट्रीब्यूट यू स्टार्ट एडिंग इन ऑल थ्री सब टाइप्स टाइप इंडिजुअली वो डू यू सिंपली एट दैट एट्रीब्यूट इन टू द सुपर टाइप जब सुपर टाइप में प्लेस कर दिया उससे क्या हो रहा है कि थ्रू इनहेरिटेंस वो ऑटोमेटिकली तमाम सब टाइप्स के ऊपर जो अप्लाई कर जाएगा इससे आपकी जो मैनेजमेंट है ओवरऑल डिजाइन की इट बिकम्स इजियर इट बिकम्स सिंपलर हाउ टू आइडेंटिफाई इसके मुखलिफ तरीके हो सकते हैं इस बारे में ये चीज देखिए कि आपको जो यूजर ऑफ द सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लोग रन कर रहे हैं दे विल नेवर टेल यू दे विल नेवर आस्क यू कि भाई ये आप चीजें जो है ना इनको अरेंज कर लें सुपर टाइप सब टाइप के अंदर नो दिस इज योर ओन डिसीशन यानी अगर कोई डिजाइनर uh, इनको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता सुपर सब की शक्ल में बल्कि वो जितनी भी आपके पास सुपर टाइप्स सब टाइप्स हैं वो डिजाइनर जो है रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट एज इंडिविजुअल टाइप्स यानी वो इस प्रॉपर्टी का इस रिलेशनशिप का एडवांटेज नहीं लेता और वो जो एट्रीब्यूट मैंने एटीट्यूटन किया था तमाम सब टाइप्स के साथ इंडिविजुअली मैंशन uh, करता है नो हार्म इन दैट जो एक्स्ट्रा वर्क है इसमें जो एक्स्ट्रा इसके लेबर है एक्स्ट्रा एफर्ट है दैट हैज टू बी मैनेज बाय द डिजाइनर ऑब्वियसली लेकिन अब एज अ डिजाइनर आपने देखा के कुछ चीजें आपको नजर आ जाती हैं उस एन्वायरमेंट में कि जिसको आपने कहा कि इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कॉमन है तो थ्रू एब्सट्रैक्शन प्रोसेस जिसका हम पहले बार बार जिक्र कर चुके हैं कि जिस प्रोसेस के तहत यू आइडेंटिफाई द एंटिटी टाइप्स यू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दैम एक तो यह है कि आप खुद से सोच लें और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो यू आर यू आर एबल इन पोजिशन यू आर इन पोजिशन टू आइडेंटिफाई सच थिंग्स दूसरी सूरत हो सकती है कि जिस वक्त आपने अपनी टाइप्स आइडेंटिफाई की हैं और उसके बाद वेन यू एसोसिएटेड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स विद तो उन एंटी टाइप्स को और उनके एट्रीब्यूट्स को जब आपने देखा तो उसके बेसिस पे आपने कहा कि ये जो टाइप्स हैं अगर से डिफरेंट तो हैं लेकिन इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपस में यानी कि कॉमन है तो इस बेसिस के ऊपर भी आप जो है वो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर एक और चीज ये भी है कि कुछ चीजें जो है वो नेचुरल हैं मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि अगर किसी जगह पे हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पर स्टाफ मेम्बर्स हैं जिसे ऑफिस स्टाफ कहना चाहिए वहाँ पर फैकल्टी मेम्बर्स हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं अब अगर और लेट्स से वहाँ पर विजिटर भी हैं तो अगर आप एक चीज़ गौर करें कि इनमें एक चीज़ तो कॉमन आपको नजर आती ही है नेचुरली वो क्या है कि सब ह्यूमन बींग हैं आर पर्सनस ऐसे ही फ़र्ज़ करें अगर आप किसी जगह इसी किसी बिल्डिंग के अंदर किसी जगह पे आप वहां पे जो आइटम्स हैं उनको जब आप आइडेंटिफाई करते हैं यू सी के वहाँ पे आ, वहाँ पे टेबल्स हैं वहाँ पे चेयर्स हैं वहाँ पे कंप्यूटर टेबल्स हैं वहाँ पे रोस्टरम हैं इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप जब आप रियलाइज करते हैं कि वो एक कॉमन चीज़ का ये सब फर्नीचर हैं ऐसे ही अगर आपने वहाँ पे आ, फैंस हैं वहाँ पर ट्यूब्स हैं कंप्यूटर्स हैं एयर कंडीशनर्स हैं तो फिर आप कहते हैं कि इनमें हैं तो चीज़ें अलग अलग लेकिन इनमें ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है तो इनमें भी चीज़ यानी कॉमन नजर आती है आपको तो जहां पे आपको इस तरह से एक सिचुएशन नजर आए कि जो आप वहां पे चीजें आइडेंटिफाई करते हैं नेचुरली भी अगर उनमें कोई चीजें ऐसी हैं कि वापस में किसी बेसिस पे एक दूसरे से लिंक करती हैं तो इस बेस पे भी आप सोच सकते हैं कि हाँ इनके अंदर जो एक रिलेशनशिप हो सकता है सुपर टाइप सब टाइप का और प्लस जब आप उनके एटीट्यूड्स देखते हैं तो वो चीज जब फर्दर जो है वो अफर्म हो जाती है तो इस तरीके से दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द सुपर टाइप सब टाइप रिलेशनशिप और फिर आप चीज़ों को यूं अरेंज कर लेते हैं आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू जनरल नॉलेज के तहत आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द एटीब्यूट जब आपने एक दफ़ा ये चीज एस्टेब्लिश कर ली कि इन टाइप्स के दरमियान सुपर टाइप सब टाइप का रिलेशनशिप मौजूद है और आपने उनको uh, जो है अरेंज कर लेना है नॉ देर आर समर्दर कॉन्स्ट्रेंट्स दैट यू वॉन्ट टू स्पेसिफाई अबाउट दिस रिलेशनशिप डिफरेंट सिचुएशंस हैं। उनके लिए हम क्या नोटेशन इस्तेमाल करते हैं पहली बात यह कि वो कंस्टेंट हैं कौन कौन से पहला इस वक्त आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, वो है कंप्लीटनेस कंस्टेंट कंप्लीटनेस कंस्टेंट की जो फर्दर दो टाइप्स हैं और वो ये है कि टोटल स्पेशलाइजेशन रूल और पार्शल स्पेशन रूल इसमें आपको समझने के लिए यह समझना पड़ेगा कि जो आपकी एक सुपर टाइप है उसके जो इंस्टेंसेज हैं वो क्या लाजमी तौर पे किसी ना किसी सब टाइप एंड टाइप के होंगे या किसी ना किसी सब टाइप से बिलोंग करेंगे यानी इफ यू हैव एन इंस्टेंस इन द सुपर टाइप तो क्या वो जो आपके पास गिवन सब टाइप्स हैं क्या वो लाजमी तौर पर किसी ना किसी सब टाइप से बिलोंग करेगा अब देखिए दिस इज कॉल्ड द कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट देखें ये चीज जो है दोबारा से यू वॉन्ट डिफाइन इट योर सेल्फ दिस थिंग विल एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट एंड यूड सिंपली आइडेंटिफाई दैट यानी इसके यू एग्जाम्पल लेते हैं कि कर फर्ज करें कि हमारे पास हमने कहा था जैसे कि हमारे पास एक है एम्प्लॉय का सुपर टाइप एम्प्लॉय है और सब टाइप उसकी जो है वो है सैलरीड uh, और आवरली बेसिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास एक एम्प्लॉय है तो क्या हमारा वो लाजमी तौर पे सैलरीड होगा या uh, आवरली बेसिस होगा या कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो इन दोनों से बिलोंग ना करता हो इसकी uh, इसकी रीजन क्या है किस बेसिस पे हम ऐसा करते हैं इसकी दो मेन रीजंस हो सकती हैं एक रीज़न तो यह है कि एक हमारे पास सुपर टाइप है उसकी कुछ ज्यादा सब टाइप्स पॉसिबल हैं लेकिन जब आपने डिजाइन किया तो बजाय इसके कि वो सब आप रिप्रेजेंट करें एज सब टाइप्स जो सिर्फ सिग्निफिकेंट हैं आपने उनको रिप्रेजेंट कर दिया अब अब जब आपके पास इंस्टेंसेस आए सुपर टाइप के अंदर तो जो तो उस टाइप के थे जो कि सिग्निफिकेंट थे या ये कहने कि दैट एग्जिस्ट मोर फ्रीक्वेंटली उनको तो आपने रेट कर दिया सब टाइप के साथ या उसको आपने लिंक कर दिया सब टाइप के साथ लेकिन जो इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे उनको आपने किसी के साथ रिलेट नहीं किया इसका मतलब है कि हमारे पास कोई इंप्लाई ऐसे हो सकते हैं कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लाई तो हैं लेकिन एज सच ना वो सैनिट कैटेगरी के हैं और ना ही वो आवरली बेसिस वाली कैटेगरी के हैं तो अगर यह चीज जरूरी है कि हर इंस्टेंस जो है वो किसी ना किसी के साथ जरूर लिंक होना चाहिए देन इट इज कॉल्ड टोटल स्पेशलाइजेशन रूल और अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सुपर टाइप का जो भी इंस्टेंस है वो लाजमी तौर पे किसी ना किसी सब टाइप से रिलेटेड हो तो उस केस में हम इसे कहेंगे पार्शल स्पेशलाइजेशन रूल और देखिए यानी इसकी एक रीजन कि ये पार्शल क्यों हो सकता है वो ये भी हो सकती है कि जिस साथ आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं एट दैट टाइम यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल सब यानी जो इस वक्त डिजाइन कर पॉसिबल हैं वो तो आपने कर ली लेकिन फ्यूचर में कोई ऐसी भी हो सकती है कि वो आ, ऐसी सब टाइप आ जाए जो कि इनमें डिफाइंड में नहीं है तो उसका एक नेचुरली सोलूशन ही हो सकता है कि आप उसको फिलहाल इनिशियली आप उसको सुपर टाइप में तो आने दें लेकिन सब टाइप क्योंकि वो जिस पर्टिकुलर सब टाइप का वह तो भी एग्जिट नहीं करती डिफाइन नहीं करती फॉर दैट यू हैव टू मेक अ चेंज इन दैट डिजाइन तो जब तक आप वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर लेते उस वक्त तक आप उसको फ्लोटिंग रहने रहने दें, दें। हैंगिंग यानी, इट इट हैज बिकम एन ऑफ़ द सुपर टाइप, बट द कंप्लीटनेस रूल दूसरा है इसमें दो चीज आती हैं डिसजॉइंट रूल और ओवरलैप रूल इससे क्या है इससे यह है कि अगर आपके पास सुपर टाइप में एक इंस्टेंस है तो डिसजॉइंट रूल यह कहता है कि आपका वो इंस्टेंस जो है जितनी भी सब टाइप्स आपकी हैं उनमें से वो किसी एक से लिंक होगा या एक जो सुपर टाइप है वो स्पेशलाइज टाइप्स में से किसी एक टाइप की होगी यानी अगर हमने कहा कि एंप्लॉय हमारे पास है वो सैलरीड भी है और आवरली भी है तो उस केस में डिसजॉइंट से हम एम्प्लॉय होगा तो या तो वो सिर्फ होगा स्पेशल अवर्ली बेसिस का या होगा सिर्फ वो सैलरिड बेसिस का ऐसा नहीं हो सकता कि एक एम्प्लॉय जो है हमारे पास वो सैलरीड भी हो और आवरली बेसिस भी हो अगेन अ रूल दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बाय द कंपनी एंड यू सिंपली डिफाइन दैट यू सिंपली रिप्रेजेंट दैट आपने इसमें इसकी डेफिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं करना आपने सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है बाय डिस्कवरिंग इट कि इट एग्जिस्ट इन द एनवामेंट जब आप ओवरलैप की बात करते हैं ओवरलैप से क्या हम ओवरलैप है ओवरलेप से मरादी मरा है कि आपकी जो सब टाइप है वो अगर उसके दो तीन चार सब टाइप्स हैं तो वो एक वक्त में दो या तीन टाइप की भी हो सकती है इसका मतलब यह हुआ कि फर्ज करें अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक हजार एम्प्लॉयज हैं और उसकी दो सब टाइप्स हैं सैलरीड और आवरली बेसिस तो अगर ये हमारे पास डिसजॉइंट सिचुएशन है एक एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ या तो सैलरिड होगा या ओवरली बेसिस होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम जो इंस्टेंसेज आपके सब टाइप्स के अंदर हैं यानी सैलरिड टाइप के और ओवरली टाइप के अगर उन दोनों के इंस्टेंसेज को सम करें तो मैक्सिमम वो होंगे वन थाउजेंड क्योंकि जाहिर है कि एक वक्त में आपका जो एम्प्लॉय है वो एक ही टाइप का होगा लेकिन अगर ये ओवरलैप करते हैं कुछ आपके एम्प्लॉयज ऐसे भी हैं जो कि सैलरीड भी हैं और एम्प्लॉयड uh, भी हैं ऑवरली uh, बेसिस पर भी हैं उससे क्या होगा कि फर्ज कर अगर आपके पास एक हजार एम्प्लॉयज uh, हैं कुल जो कि आपके पास टाइप uh, के इंस्टेंसिस हैं लेकिन जब आप जो आपकी सब टाइप्स के इंस्टेंसिस को आप सम करते हैं तो उनका जो सम जो है दैट कैन एक्सीड वन थाउजेंड क्योंकि कुछ आपके ऐसे एम्प्लॉयज़ थे कि उनका जो लिंक था जो उनका रिकॉर्ड था वो दोनों में था सैलरीड के अंदर भी और आवरली के अंदर भी इनके जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनकी एग्जांपल्स हैं वो आपके पास अगली स्लाइड में आपको नजर आएंगे आइए देखते हैं इस पहली एग्जांपल में हमारे पास जो एंट्री टाइप्स हैं वो है पेशेंट आउटडोर पेशेंट और इनडोर पेशेंट हमारी जो सुपर टाइप ऑब्वियसली वो पेशेंट है और सब टाइप्स उसकी आउटडोर और इनडोर पेशेंट्स हैं अब यहां पे ये दिखाया गया है कि ये एक जो आ, कंप्लीटनेस यहां पे शो की गई है या कंप्लीट इसकी स्पेशलाइजेशन रूल यहां पे अप्लाई होगा यानी जो आपका पेशेंट है वो लाजमी तौर पे या तो होगा वो आउटडोर या होगा वो इनडोर इसका क्या मतलब है कि एक तो मतलब इसका ये है कि हमने उसकी जो तमाम पॉसिबल सब टाइप्स थी वी हैव आइडेंटिफाइड दैट पहली बात तो ये हो गई और दूसरी बात ये होगी कि जब आप एक पेशेंट का डाटा एंटर करेंगे पेशेंट एंट्री टाइप के अंदर तो उसका लाजमी तौर पर जो बाकी डिटेल है यू विल हैव टू एंटर इधर इन द आउटडोर पेशेंट और इधर और इन द इनडोर पेशेंट यानी जो आपके पास पेशेंट में है वो है पेशेंट आई डी पेशेंट नेम एंड एडमिशन डेट अब ये एट्रीब्यूट हैं जो के है, तो कि सुपर टाइप में हैं, तो पहली बात तो कि इनहेरिटेंस के थ्रू ऑटोमेटिकली जो आपके आउटडोर पेशेंट हैं और जो आपके इंडोर पेशेंट हैं उनके दरमियान या उनके अंदर भी ये एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली आ गए थ्रू इनहेरिटेंस एक बात तो हो ये होगी दूसरी बात यह है कि जो पेशेंट आपका है आउटडोर पेशेंट है उसके साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रिस्क्रिप्शन किया यानी वो आया पेशेंट आपने उसको वहीं किसी डॉक्टर ने देखा और वहीं से उसको प्रिस्क्रिप्शन दे दी तो यहाँ पे आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दे के उसको क्या प्रिस्क्राइब किया गया था जो आपका इंडोर पेशेंट है उसके बारे में वी वॉन्ट टू स्टोर के वो किस वार्ड में गया था और किस डेट को उसको जो है वो डिस्चार्ज किया गया था नाउ दीज आर दिव्यूट दैट आर स्पेसिफिक विद द इंडोर पेशेंट अदरवाइज बोथ ऑफ दैम आर इनहेरिटिंग फ्रॉम द पेशेंट लेकिन जो यहां पर पे जिसपे जिस एम्फेसिस है वो ये है कि दिस इज ए कंप्लीटनेस रूल बींग हियर बींग इंप्लीमेंटेड यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पेशेंट का डाटा आए और वो उसका डाटा फर्दर जो है वो इनमें से किसी एक में ना जाए डियर स्टूडेंट यहां पे एक और बात भी आपको नजर आ रही होगी वो ये है कि जो आपकी पेशेंट आपका एंटिटी टाइप है वो लिंक्ड है एक और टाइप जिसका नाम है रेस्पॉसिबल फिजिशियन इसका मतलब यह है कि अगर पेशेंट हमारे पास है चाहे वो इनडोर हो या आउटडोर हो उस पेशेंट उस पेशेंट को ट्रीट किस फिजिशियन ने किया था अब ये एक इंडिपेंडेंट टाइप है जिसके अपने एंट्रीब्यूट होंगे बट दिस टाइप इज लिंक्ड विद द पेशेंट अब इनहेरिटेंस की ब्यूटी ये है कि जो ये रिलेशनशिप है ये भी ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगा यानी जो ये रिलेशनशिप है क्योंकि ये पेशेंट पे अप्लाई हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाएगा आपके इंडोर पेशेंट और आउटडोर आउटडोर पेशेंट के ऊपर भी हां ये बात है कि अगर फर्ज करें यू वॉन्ट टू स्टेब्लिश ए रिलेशनशिप विद स्पेसिफिकली इधर विद आउटडोर पेशेंट और इंडोर पेशेंट तो उसको आप स्पेसिफिकली उन्हीं के साथ शो कर देंगे तो जाहिर है कि वो जो चीज है वो सिर्फ उसी सब टाइप के ऊपर एप्लीकेबल होगी वो बाकी किसी और के ऊपर नहीं होगी और यहां से एक और चीज जो मुझे आपको याद आ, करा देनी चाहिए थी इससे पहले वो ये है कि इनहेरिटेंस इज ऑलवेज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी जो सुपर टाइप है उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं दे आर इनहेरिटेड एटीट्यूट द सब टाइप सब टाइप में आप जो कुछ डिफाइन कर रहे हैं उसका लिंक या उसका जो इफेक्ट है ना तो वो जा रहा है सुपर टाइप पे और ना ही वो जा रहा है जो कि उसी लेवल पे जिसको उसके सेम लेवल के जो और सब टाइप्स हैं जो और एंटी टाइप्स हैं जो कि उसी लेवल पे एग्जिस्ट कर रही हैं ना उन पे उसका इफेक्ट है हां अगर इस सब टाइप की फर्दर सब टाइप्स हैं तो ऑब्वियसली इनहेरिटेंस के रूल के तहत वो नीचे इनहेरिट तो हो रहा है लेकिन ऊपर या साइडवेज इसका कोई इफेक्ट नहीं है चुनाचे जो इसको हम देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फिजिशियन ये जो रिलेशनशिप है दिस इज ऑटोमेटिकली बीइंग इंप्लीमेंटेड ऑन द आउटडोर इनडोर पेशेंट लेकिन जो एट्रीब्यूट्स हैं इनके इंडोर ऑर्डर पेशेंट के उनका ताल्लुक जो है सिर्फ इन्हीं एंटी टाइप के साथ है इनका ताल्लुक और किसी भी एंटी uh, टाइप के साथ नहीं है हाँ अगर इनकी सब टाइप्स होती तो उन पर जरूर होता दूसरी एग्जांपल में आपको जो नजर आ रहा है इसमें आपको एक पार्शल जो हमारा रूल है पार्शल जो कंस्ट्रेंट है उसकी इंप्लीमेंटेशन नजर आ रही है जहां पर आपको एक एंट्री टाइप नजर आ रही है व्हीकल के नाम से और इसकी आपने कुछ सब टाइप्स वो आ, जो है वो आइडेंटिफाई की हुई है लेट्स आप यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है कार और ट्रक अब फिर वही बात है कि यहां पे हमारे पास जो ये है ये एक पार्शल कॉन्स्टेंट है किस तरह से कि जो आपके पास व्हीकल में जो इंस्टेंसेज आएंगे वो जरूरी नहीं है कि वो लाजमी किसी एक टाइप के हों फिर वही बात इसकी हमने ऐसा क्यों किया इसलिए किया कि देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना हो सकता है कि बहुत से टाइप के व्हीकल्स जो हैं वो मौजूद हों लेकिन उन्होंने ये चाहा कि जो सिग्निफिकेंट हैं यानी हमारे जो ट्रक हैं और जो कार्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं हो सकता है कि दैट ऑर्गेनाइजेशन ओन्स मोटर बाइक्स इवन बाइसिकल्स या इवन व्हीकल में वो चाहते हैं कि हमारे पास जो हाथ से चलने वाली गाड़ी वो भी हो बैलगाड़ियां भी हों उनको भी अगर व्हीकल में शामिल कर लें तो आपने उनको एज व्हीकल तो आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ठीक है हमारे पास मोटर बाइक्स भी हैं बाइसकल्स भी हैं लट से के वो जो कार्स हैं वो भी आपने आपने नोट किए जाहिर है वो भी एक एसेट है आप नोट करेंगे व्हीकल्स में अपने एसेट्स में लेकिन जो हमें डिटेल चाहिए डिटेल हमें चाहिए द वन दैट आर मोर सिग्निफिकेंट कार्स एंड ट्रक्स तो उनको आपने स्पेसिफिकली यहां रिप्रेजेंट भी किया हुआ है and you have also identified some specific attributes of these entity types. So, when you are entering the data of a car or a truck into the super type vehicle, तो जो उनके common attribute हैं वो उनको आप उसके अंदर place करेंगे और जो उसकी detail है if it is car तो वो car के अंदर आ जाएंगे if it is truck वो truck में आ जाएंगे लेकिन अगर वो motorbike है अगर वो bicycle है तो उसका data vehicle में तो आ जाएगा लेकिन वो जाहिर है कि ना तो कार है ना ट्रक है इनमें तो आएगा नहीं और चूंकि उनकी अपनी एंट्री टाइप जो है वो आइडेंटिफाई नहीं है कोई सब टाइप डिफाइंड नहीं है इस तरह की चीजों के लिए तो इसका मतलब है कि वो किसी के साथ भी लिंक नहीं होंगे सो दिस इज ए पार्शलेंट अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है वो अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो जहां पर कंप्लीटनेस कॉन्स्ट्रेंट है कंप्लीट कॉन्स्टेंट है वहां पे शो की गई है डबल लाइन यानी जो आपकी सुपर टाइप है वहां से लेके और जो सर्कल है आपका जो कि लिंक करता है सब टाइप्स को वहां तक जो लाइन आ रही है दैट इज डबल और जहां पर आपके पार्शल मैपिंग है वहां पर आ रही है सिंगल लाइन सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द कंप्लीट एंड पार्शल सुपर टाइप सब टाइप रिलेशनशिप एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट दैम आइए अब आगे चलते हैं कि डिसजॉइननेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें स्टूडेंट्स uh, इसमें जो हमने एग्जाम्पल ली थी कंप्लीट कंस्ट्रेंट वाली जिसमें कि हमने पेशेंट इनडोर पेशेंट और आउटडोर पेशेंट शो किए थे उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं डिसजॉइनस और ओवरलैपिंग के एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज करें कि हॉस्पिटल में हम ये डिसाइड uh, करते हैं हम डिसाइड नहीं करते बल्कि देर इज अ रूल इन हॉस्पिटल कि जो हमारा पेशेंट आएगा या तो वो सिर्फ आउटडोर पेशेंट होगा या वो इंडोर पेशेंट होगा यानी जिसको हमने पेशेंट uh, तो वो हुआ लेकिन अगर हमने किसी को इंडोर किया तो वो आउटडोर नहीं होगा आउटडोर किया तो इनडोर नहीं, नहीं। सब कि दे आर डिसजॉइंट तो इस चीज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जो सर्कल जो कि लिंक कर रहा है सुपर टाइप्स को और सब टाइप्स को उनके दरमियान हमने प्लेस कर दिया एक डी जिस वक्त आप इस सर्कल में एक डी देखें लिखा हुआ इसको लोअर कैसे बेशक लिख लीजिए इसका मतलब ये होगा कि यहां पे जो हमारे पास सुपर टाइप सब सुप टाइप का जो रिलेशनशिप है वो डिसजॉइंट है क्या मुराद है कि वो जो आपकी सुपर टाइप है वो किसी एक एंट्री टाइप जो आपकी सब टाइप है उससे लिंक होगी लेकिन अगर हमारे पास सिचुएशन जो है कि आपके जो सुपर टाइप है उसका एक इंस्टेंस जो है वो मल्टीपल सब टाइप से लिंक कर सकता है तो दैट इज सिचुएशन दैट रिफ्लेक्ट्स ओवरलैपिंग कॉन्स्टेंट तो इस केस में आप ये करेंगे कि आप उस सर्कल के अंदर ओ प्लेस कर देंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हमारे पास एक पार्ट सुपर टाइप है और उसकी दो सब टाइप्स हैं मैन्युफैक्चर्ड और परचेज इनहेरिटेंस रूल के मुताबिक वही जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं दैट हैव बीन रिप्रेजेंटेड विद द पार्ट और जो स्पेशलाइज प्रॉपर्टीज हैं एट्रीब्यूट हैं वो इन सब टाइप्स के साथ शो की गई हैं दैट दैट इज इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फिर जो सुपर uh, टाइप uh, की जो प्रॉपर्ट एट्रीब्यूट हैं दे आर ऑटोमेटिकली बीइंग इनहेरिटेड बाय द सब टाइप्स यून डिस्कस कर चुके हैं यहां पे आप देखिए कि सर्कल जो कि लिंक कर रहा है सुपर टाइप सब टाइप्स को वहां पे वी ओवरलैपिंग सिचुएशन बिटवीन सब टाइप्स एंड सुपर टाइप्स इसका मतलब यह है कि एक पार्ट जो है उसका एक इंस्टेंस इट कैन बी रिलेटेड विद इधर वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम यानी हमारा कोई पार्ट ऐसा हो सकता है कि जिसको हमने खुद मैन्युफैक्चर किया और कोई पार्ट हमारा ऐसा हो सकता है कि जिसको हमने परचेज किया लेकिन कोई हमारा पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं लेकिन साथ ही हम चूंकि जिस क्वांटिटी में हमें वो चाहिए वो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम है चुनाचे हम उसको मार्केट से परचेज भी कर रहे हैं चुनाचे वो जो इंस्टेस्ट होगा आपके पास पार्ट एंट्री टाइप का वो उसका लिंक दोनों में होगा परचेज में भी और मैन्युफैक्चर के अंदर भी और यहां पर आप एक और चीज भी देखिए कि जब आप परचेज सब टाइप को देख रहे हैं तो दैट इज लिंक्ड विद अनदर टाइप जिसको हमने कहा कि सप्लायर तो ये जो सप्लायर और पार्ट जो दरमियान जो एक रिलेशनशिप है वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप है जिनको पहले डिस्कस कर चुके हैं यानी मैंने आपसे कहा ना कि सुपर टाइप सब टाइप भी एक रिलेशनशिप है बट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो हमारे पास है परचेज पार्ट उस एंट्री टाइप का जो रिलेशनशिप है वो है सप्लायर के साथ तो ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह ट्रीट होगा और इस रिलेशनशिप का बाकी किसी भी जो यहां पे आपको नजर आ रही है एंट्री टाइप यानी ना तो मैन्युफैक्चर पे और ना ही पार्ट्स के ऊपर इसको इफेक्ट होगा बिकॉज दिस इज स्पेसिफिक टू द परचेज एंट्री टाइप आई होप अब तक या आपको और चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि हमारा कंप्लीट और पार्शल और आ, डिस्जॉइंट uh, और ओवरलैप में इससे क्या मुराद है एक और बात ये देखें कि इन के जो सब कॉम्बिनेशन हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं इससे क्या मुराद है इससे मुराद ये है कि जो आपके कंप्लीट और पार्शियल हैं वो अपनी जगह है। और जो आपके डिस्जॉइंट ओवरलैप डिस्जॉइंट और ओवरलैपिंग uh, हैं वो अपनी जगह है। अब इसका मतलब ये कि इससे आपके चार कंबिनेशन बन जाते हैं यानी आपका जो एक सुपर टाइप सब टाइप का जो रिलेशनशिप है वो हो सकता है कंप्लीट और डिसजॉइंट कंप्लीट एंड ओवरलैपिंग इसी तरह पार्शल और डिसजॉइंट पार्शल एंड ओवरलैपिंग तो इस तरह से चार कंबिनेशन बनते हैं और जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों कॉन्स्टेंट हैं दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ये अलग बात है कि वे यू रिप्रेजेंट देम यू गेट फोर डिफरेंट दिस टाइप ऑफ कंबिनेशन आइए आगे चलते हैं सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर इसका मतलब यह है कि हम ये कैसे स्टैब्लिश करेंगे अपने डिजाइन के अंदर जब हम इस डिजाइन को इंप्लीमेंट करेंगे उसके अंदर हम ये कैसे स्टैब्ब्लिश करेंगे बाय सेइंग एन इंस्टेंस ऑफ द सुपर टाइप के ऑफ व्हाट पर्टिकुलर सब टाइप दिस इंस्टेंस इज या ये जो हमारा सुपर टाइप का है यह हमारी जितनी भी सब टाइप्स हैं उनमें से किसके साथ रिलेट करता होगा क्योंकि ये बात तो पक्की है कि जो आपकी सब टाइप्स हैं वो सब की सब रिलेटेड हैं सिर्फ और सिर्फ सुपर टाइप के साथ ओनली इन दिस रिलेशनशिप मतलब uh, एक सब टाइप जो है वो औरों के साथ तो रिलेट कर सकती है जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी थी परचेज की और सप्लायर uh, की वो तो हो सकती है लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात करें तो सुप सब टाइप तो डेफिनेटली इट वुड बी रिलेटेड विद द सुपर टाइप जिससे वो लिंक करती है इस इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन अब सुपर टाइप जो है वो लिंक कर सकती है इस रिलेशनशिप के थ्रू किसी भी एक या मल्टीपल सब टाइप्स के साथ तो वहां से हम हाउ वुड वी स्टैब्लिश के सींग एन इंस्टेंस ऑफ द सुपर टाइप के इसकी फर्दर डिटेल के लिए वेयर शुड वी गो तो उसके लिए हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो है सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर यानी टू डिटर्मिन द सब टाइप ऑफ सुपर टाइप इंस्टेंस हम कहते क्या है कि प्लेस एन एट्रीब्यूट एन द सुपर टाइप हुज वैल्यू डिटर्मिज द सब टाइप टाइप यानी अब इसमें दो सिचुएशन बनती हैं। एक सिचुएशन तो यह है कि आपके पास जो डिस्जॉइंट है या ओवरलैपिंग है अगर तो आपके पास सूर्त हाल यह है कि आपके पास जो सब टाइप सुपर टाइप की जो uh, जो रिलेशनशिप है वो डिस्जॉइट है यानी एक जो सब टाइप सुपर टाइप का इंस्टेंस है दैट कैन बिली ओनली विद वन सब टाइप उस केस में आप यह करें कि सिंपली एक एट्रीब्यूट जो है उसको आप डिफाइन कर लें एक सुपर टाइप के अंदर और उसकी वैल्यू डिटर्मिन करेगी कि ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंस है हर इंस्टेंस के अंदर जाहिर है यू विल प्लेस सम वैल्यू इन दैट एट्रीब्यूट और उस वैल्यू के बेस पे यू विल इजीली नो कि वो किस सब टाइप का है साल के तौर पे अगर आप अगली स्क्रीन पे देखें इस स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास फर्ज करें हमारे पास है व्हीकल की सूरत है व्हीकल जो है वो हमारे पास सुपर टाइप है और इसकी जो सब टाइप्स हैं वो हैं कार और ट्रक अब है कि आपके पास एक जो व्हीकल है या तो कार होगा या ट्रक होगा ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कार भी हो ट्रक भी हो तो इसमें आप करेंगे ये कि यू सिंपली प्लेस एन एट्रीब्यूट व्हीकल टाइप ठीक है और अगर वो है कार तो यू प्लेस सिंपली ए करेक्टर सी इन द वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट उससे जाहिर होगा कि आपको जब आप फर्ज करें जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास व्हीकल के जिनमें व्हीकल आईडी है मॉडल है रजिस्ट्रेशन नंबर है प्राइस है साथ ही उसमें एक एट्रीब्यूट आ गया व्हीकल टाइप अब ये तो बाकी डाटा भी था लेकिन व्हीकल टाइप के अंदर यू प्लेस सी फॉर कार्रक इसका मतलब ये होगा कि जब आपने एक इंस्टेंस देखा व्हीकल टाइप का उसकी जो फर्दर डिटेल है वो आप अगर सी लिखा हुआ है तो आप कार एंट्री टाइप के अंदर जाएंगे और फर्ज करें वहां पे अगर टी लिखा हुआ है तो आप जाएंगे ट्रक एंट्री टाइप के अंदर चूंकि हमारे पास ये एक पार्शल कॉन्स्टेंट भी था यानी हमारे पास ये सूरत हाल भी हो सकती है कि हमारे पास जो एक व्हीकल है ना तो वो कार टाइप का ना ट्रक टाइप का है तो जाहिर है कि आप उसके लिए कोई और एक जो है कैरेक्टर वो फिक्स कर सकते हैं या उसको ब्लैंक छोड़ दें इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी इंस्टेंस में हमारे पास उसकी वैल्यू वो नहीं है सी या टी में से तो इसका मतलब ये अस्यूम किया जाएगा कि ये ऐसा हमारा व्हीकल है जो कि हमारे किसी भी सब टाइप से रिलेट नहीं करता तो इस तरह से आप उसको इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये तो वो सूरत हाल थी आ, सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर की जब हमारे पास जो जो रूल था उस पर कॉन्स्टेंट था वो था डिसजॉइंट का अगर हमारे पास सूरत हाल हो ओवरलैपिंग की ओवरलैपिंग से हमारा यह है कि जो आपकी एक सुपर टाइप है वो मल्टीपल सब टाइप्स की हो सकती है उसकी मुख्त सचुएशन हो सकती हैं मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं उसको रिप्रजेंट करने के मिसाल के तौर पर जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक जो इसकी एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है पार्ट के बारे में वी हैव डिसाइडेड कि पार्ट कुड बी मैनुफेक्चरलैपिंग एंड ओवरलैपिंग एंड इट कुड बी ऑफ बोथ टाइप एट द सेम टाइम उसके मुख्तु तरीके हो सकते हैं एक तरीका जो यहाँ पर दिखाया गया आपके सामने वो ये है यू डिफाइन ए कंपोजिट एट्रीब्यूट जिसे आप कहते हैं कि दैट इज पार्ट टाइप और उसके फिर आप फर्दर जो है वो दो उसकी आप सोच लें कंपोनेंट एट्रीब्यूट हैं जिसमें एक को आप कह लें कि दिस इज मैन्युफैक्चर्ड और अदर इज परचेज अब एक पार्ट के ऊपर जो भी चीज अप्लाई होती है इफ इट इज ओनली देन प्लेस वाई इन द परचेज एट्रीब्यूट एंड नो इन द

उसको देखने के लिए आप किस सब टाइप के अंदर जाएंगे देखिए सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर की क्या सिग्निफिकेंस है जब आपने एक सुपर टाइप के अंदर एक इंस्टेंस प्लेस कर दिया अब जाहिर है कि यू वूड लाइक टू सी कि ये इसकी जो फर्दर डिटेल है सब टाइप की वो कहां पे है अगर आप सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर प्लेस नहीं करते तो देन यू हैव नो अदर वे देन सर्चिंग ईच सब टाइप इंडिविजुअली एंड फाइंडिंग द लिंक बिटवीन द सुपर टाइप एंड सब टाइप यानी आपके पास एक आप पार्ट के अंदर आपने देखा कि हमारे पास एक इंस्टेंस आ गया पार्ट के अंदर आपको वहां से उसके बेसिक एट्रीब्यूट जो सब में कॉमन है वो नजर आ गए अब सोचने की बात है या देखने की बात है कि आगे मुझे इसकी जो डिटेल है उसके लिए मुझे मैन्युफैक्चर वाले में जाना चाहिए एनी टाइप में या कि परचेज वाले में अगर सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर ना होता तो आपको पहले जाना पड़ता किसी एक में पहले वो सारी सर्च करनी पड़ती वर लकी आपको उसी में मिल गया तो ठीक है वरना आपको उसके लिए दूसरी में आना पड़ता और अभी तो ये सिर्फ दो सब टाइप्स हैं अगर किसी के तीन सब टाइप हैं चार सब टाइप हैं पांच सब टाइप हैं और हर एक में अगर बेतहाशा इंस्टेंसिस मौजूद हैं यू कैन वेरी वेल रियलाइज के ये इट कुड हैव है प्रॉब्लमैटिक इट वेरी टाइम कंज्यूमिंग उस चीज से बचने के लिए अब आप सिंपली प्लेस एन एट्रीब्यूट सिंपली प्लेस ए सिंगल कैरेक्टर वैल्यूड जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का किस सब टाइप के साथ लिंक होगा तो सुपर uh, टाइप से लें उसके कॉमन एट्रीब्यूट और फॉरन फौर, जंप कर जाएं एप्रोप्रिएट सब टाइप के ऊपर टू सी द रिमेनिंग डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस तो इस तरह से जो सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर है दैट मेक्स द थिंग वेरी इजी फॉर यू डियर स्टूडेंट्स Here we have concluded our discussion on the ER data model. इसमें अगर आप देखिए तो हो सकता है कि आपको बाद किताबों में मुख्तु नोटेशंस मिलें या बज किताबों में इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी मिलें। जैसे मैं आपसे कहा था कि there have been so many different enhancements in the ER data model. लेकिन हम यहाँ पे अपने कोर्स के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड या नेसेसरी या बेसिक जो डाटा मॉडल था और जो उसकी इन्समेंट थी हमने वो उनको कवर कर लिया और अपने बाकी के कोर्स में हम अपने जितने भी डिज़ाइन के अंदर जो ईआर ER डाटा मॉडल को इस्तेमाल करेंगे वो इतना ही या इन्हीं फीचर्स को इस्तेमाल करेंगे और दूसरी बात यह कि जो मेजर फीचर्स थे दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड दैट वी कवर्ड इन डिटेल यहाँ पे इस स्टेज पे मैं पिछले जो चार पांच लेक्चर्स में ई आर डाटा मॉडल को डिस्कस करता रहा हूँ यहाँ मैं एक जल्दी से उसकी रनिंग समरी आपके सामने पेश कर देता हूँ ताकि आप उसको एक तो रिकॉल कर लें और दूसरी बात है हो सकता है कि जो ये डिस्क्रिप्शन है ब्रीफ सी ये आपके बाद कन्फ्यूजन को क्लियर भी कर दे इज सीमेंटिक डाटा मॉडल और आपको पता है कि वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डाटा मॉडल एंड द सीमेंटिक डाटा मॉडल तो बिकॉज इज सीमेटिक्रक्ट इट मोर कंस्ट्रक्ट इज वाइट दिमेंटिक डाटा मॉडल फिर ये के इट इज यूज फॉर द कॉन्पचुअल डाटाबेस डिज़ाइन जो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है वो हमारा फर्स्ट डिजाइन है जो कि कंप्रीहेंसिव डिज़ाइन होता है और पूरे सिस्टम को रिप्रजेंट कर रहा होता है एंड इट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ योर डेटाबेस्ट डिवेलपमेंट प्रोसेस फिर इट प्रोवाइड्स थ्री मेन स्ट्रक्चर्स जिसको हमने कहा कि एंटिटीज हैं रिलेशनशिप्स हैं और एटीट्यूट्स हैं जो एंटिटी uh, की टर्म है इट रिफ्लेक्ट्स थ्री डिफरेंट थिंग्स वन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम एंड ऑन द पर्सन हु इज डिजाइनिंग दैट डायग्राम आइए हम डिस्कस करते हैं कि लेवल नॉ डग्राम को बनाने के तरीके क्या हैं या उसका आ, उसकी मैथडोलॉजी क्या है लेवल नॉ डग्राम बनाने के लिए पहला फेज ये है कि आप जिस सिस्टम के लिए यह डायग्राम बनाने जा रहे हैं उसके आप डिफरेंट मॉड्यूल्स आइडेंटिफाई कर लें और उन मॉड्यूल्स को आप बारी बारी इसमें जाहिर करना शुरू करें जब आप उन मॉड्यूल्स को बारी बारी रिप्रेजेंट करेंगे तो मुनासिब जगहों पे उन मॉड्यूल्स में आपस में लिंक भी पैदा होगा वो लिंक कैसे पैदा हो सकता है वो थ्रू एंटिटीज़ हो सकता है थ्रू प्रोसेस हो सकता है थ्रू डेटा स्टोर हो सकता है किसी भी तरीके से हो सकता है तो चुनाचे आप ये करते हैं कि आप पहले आप ये करें कि उसके जो उसमें एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं उनको आप ड्रा कर लें उसके बाद उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं उनको लिख के उनको आपस में आप लिंक कर लीजिए और इसी तरीके से जो इसमें डाटा स्टोर्स इन्वॉल्व हैं उनको भी साथ आप बना लें और यूँ आपका जब एक मॉड्यूल रिप्रेजेंट हो जाए उसके बाद आप दूसरे मॉड्यूल को लीजिए तीसरे को और जूँ बारी बारी इसके अलावा इसमें जो हम एक ख़ास बात का इसको आपको ध्यान रखना वो ये है कि जो हम प्रोसेस नंबर लिखते हैं अपने प्रोसेसिस के सिम्बल के अंदर उनकी ख़ास फॉर्मेट होती है उसका फॉर्मेट ये होता है कि आप उसको करते हैं नंबर देंगे लाइक वन टू थ्री फोर इस तरह से नंबर देंगे और डॉट या डेसिमल के बाद ज़ीरो उसमें देंगे यानी जो आपकी लेवल ज़ीरो डायग्राम है लेवल नॉट डायग्राम है उसमें जो प्रोसेस आपके हैं उनमें हमेशा वन पॉइंट ज़ीरो टू पॉइंट ज़ीरो इस तरीके से जो है वो उसमें नंबरिंग होगी अब उसमें एक डिपेंड ये करता है कि जो भी प्रोसेस आपने रिप्रेजेंट किए हैं लेवल नॉट डायग्राम में उनमें से बास प्रोसेस ऐसे होंगे कि जो आपने शो तो कर दिए लेकिन उनकी जो डिटेल है वो बहुत ज्यादा है अगर अब अगर आप उस प्रोसेस की डिटेल शो करते हैं लेवल नॉट डायग्राम में उससे वही प्रॉब्लम होगा कि वो जो डायग्राम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी जिसको कि समझना मुश्किल हो जाएगा जो अब ये करते हैं कि उसको सिर्फ जो बड़ा प्रोसेस है उसको एक सिंगल बबल के साथ सिंगल सर्कल के साथ आप अपनी जो लेवल नॉट डायग्राम है उसमें शो कर देते हैं लेकिन जो उसकी फिर जो डिटेल है उस प्रोसेस की उसको फर्दर आप एक्सप्लेन कर देते हैं डिटेल्ड डायग्राम के अंदर और इसमें एक बात याद रखने कि यह है कि यू कैन हैव जस्ट वन कॉन्टेक्स डायग्राम फॉर एनी सिस्टम यू कैन हैव जस्ट वन लेवल नॉट डायग्राम बट यू कैन हैव एज मैनी डिटेल डायग्राम एज यू लाइक एज यू नीड इन सिस्टम फिर यह है इसमें कि जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि आपने जो आपके डाटा फ्लोज हैं उनको लेबल करना है और एक चीज का ये ध्यान रखिए कि जो आप डाटा फ्लो शो करेंगे इसमें वो कभी भी आप एक्सटर्नल एंडिटी टू एक्सटर्नल एंडिटी शो नहीं करेंगे बल्कि नॉर्मली ऐसे होगा कि आप एक एक्सटर्नल एंडिटी से डेटा जनरेट हुआ इट गोज इन टू और उस प्रोसेस से अगर डाटा जो है वो अगर आपने चाहे तो किसी और एक्सटर्नल एंटिटी को ट्रांसफर कर दें या चाहे तो किसी डाटा स्टोर में मूव कर दें हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप डाटा को एक प्रोसेस से डायरेक्टली दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट सेंडिंग इट टू द एनी अदर एक्सटर्नल एंटिटी ये तो एक जनरल रूल थे जिसको जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि हम कैसे लेवल नोड डायग्राम बनाते हैं ये जो डायग्राम है यूनिवर्सिटी के एक एडमिशन सिस्टम की है इसके हम जो मॉड्यूल बनाते हैं फर्स्ट करें इसमें हम एक मॉड्यूल आइडेंटिफाई करते हैं एप्लीकेशन या अप्लाइंग एक मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन और तीसरा हम मॉड्यूल ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जनरेटिंग द एडमिशन लिस्ट यानी उसको आप फाइनली एडमिशन लिस्ट जनरेट कर देते हैं तो ये हम तीन मॉड्यूल आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस का जो मॉड्यूल है ये देखिए आपके सामने हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारा वो मॉड्यूल है कि जो अप्लाइंग को जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको डील करता है ये मॉड्यूल हमारा दूसरा जिसमें आप देख रहे हैं इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो हमारे लोग इन्वॉल्व हैं जो हमारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं वो उसको प्रोसेस करते हैं और फाइनली ये हमारा वो मॉड्यूल है कि जो के फाइनल लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करता है इशू करता है और किस तरह से ये जो डिफरेंट मॉड्यूल्स है डिफरेंट प्लेसेस पे एक दूसरे के साथ लिंक हुए और उन्होंने एक पूरे सिस्टम की जो रिप्रेजेंटेशन दी है और आप खास तौर पे इसमें जो जो प्रोसेस के नंबर हैं उनको भी नोट कीजिए कि वो वन पॉइंट इस फॉर्मेट से हैं और लेवल नॉट डायग्राम में हमेशा जो प्रोसेस नंबर हैं वो इसी फॉर्मेट में होंगे डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको जो लेवल नॉ डायग्राम की एग्जाम्पल दिखाई है एडमिशन सिस्टम की मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ आ गई होगी लेवल नॉ डायग्राम के बारे में या इन जनरल डी के बारे में एक बात जहन रखिएगा कि डी के कुछ सही होने का या गलत होने का कोई असूल या कोई क्राइटेरिया नहीं है जो उसके रूल्स हैं डी बनाने के आप उनको मद्देनज़र रखते हुए जो भी डायग्राम बनाएं उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो पहले तो वो आपको खुद क्लियर हो यानी वो वही रिप्रेजेंट कर रही हो कि जो आपकी समझ है जो आप समझ सकें सिस्टम के बारे में दूसरी बात यह है कि अगर उसी डायग्राम को, को और आ, कोई और सिस्टम कोई और इंसान या कोई और बंदा भी देखे तो वो भी वही चीज़ समझे जो कि आपने पोर्ट्रे किया या जो आपने दिखाया है क्योंकि डी का मकसद ही यही है कि जो कि आपको सिर्फ सिस्टम की वर्किंग को सिस्टम के प्रोसेसेस को डेटा फ्लो को एक्सप्लेन करे आज के लेक्चर में हमने जो डाटा बेस डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस हैं उनको डिस्कस किया एक ख़ास प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए उसके अलावा हमने जो उसमें से पहला फेज़ था जिसे हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस या प्रिलिमिनरी स्टडी जिसे हम कहते हैं उसको हमने डिस्कस किया और उसमें जो टूल इस्तेमाल होता है डी हमने उसको डिस्कस करना शुरू किया उसको हमने उसकी जो डायग्राम्स की दो टाइप्स हैं कॉन्टेक्स डायग्राम और लेवल नॉट डायग्राम उसको हमने डिस्कस कर लिया है अब अगले लेक्चर में हम इनश्ल डिटेल्ड जो डी एफ टी उसको डिस्कस करेंगे आपसे इन अगले लेक्चर में मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़